अब नहीं छोड़ूंगा उसे। We'll get a back down वाले। लेकिन ये निखिल आया कहां से? तनु की वजह से। मतलब अभिषेक की वजह से? How could he? पुलिस एक तरफ, अभी आगे कुआ पीछे खाई वाली सिचुएशन है। क्या करूं? क्लिफ की तरफ जाता हूं, वहां मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। स्टार्ट। देख आगे खाई है, भागने का कोई रास्ता नहीं है निखिल। डैडी, आगे मत बढ़ना। भाई रुक जा, अभी आगे मत आना। पीछे हट, अपनी बेटी को। डैडी, मैं आगे नहीं आ रहा हूं। कुछ मत करना, क्या रखो डैडी। चाकू हटा प्लीज। पुलिस वहां क्लिफ के ऊपर चल रही है, हमें वहां जाने चाहिए। कियारा वही होगी। देख निखिल, तेरी दुश्मनी मुझसे है, कियारा को जाने दे। हम बात करते हैं ना, मैन टू मैन। मैन टू मैन? असली मर्द डर के बात नहीं किया करते अभिषेक। नहीं, वैसे भी बात करने का वक्त अब चला गया है, अब सिर्फ एक्शन होगा। एक्शन! डैडी, डैडी मुझे बहुत डर लग रहा है डैडी। नहीं कियारा, कुछ कुछ नहीं होगा तुम्हें। यू आर अ ब्रेव गर्ल, योर डैडी इज लिटिल ब्रेव गर्ल। करो मत, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। निखिल प्लीज। होगा, अगर तू आगे बढ़ा तो होगा, और अगर तू रोई तो होगा। अच्छा, तो ये प्लान था, बेटी ले लेगा और मुझे पुलिस स्टेशन भेज देगा। वाह, व्हाट अ नाइस प्लान मिस्टर अभिषेक, व्हाट अ नाइस प्लान। नहीं निखिल,
नहीं छोड़ूंगा। निखिल प्लीज मेरी बात सुन, कियारा को जाने दे, तू जो बोलेगा मैं करूंगा। मुझे पता नहीं क्यों तुझे लगता है कि मैं तेरा दुश्मन हूँ, लेकिन ऐसा ऐसा नहीं है निखिल। तू जो बोलेगा मैं करने को तैयार हूँ। तुझे पैसे चाहिए, मैं पैसे दूंगा। प्लीज तू जो बोलेगा मैं मानूंगा। प्लीज कियारा को जाने दे। तुम्हारे पास सिर्फ पैसे, वक्त नहीं। टाइम तो तुम्हारा गया और तुम्हारी बेटी भी गई। तूने मुझे बर्बाद किया ना अभिषेक, अब मैं तुझे बर्बाद करूंगा। नहीं निखिल, देखो बच्ची है, उसे दर्द हो रहा है। निखिल उसे उसे कुछ मत कर। ये बर्बाद की थी ना, मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। अरे हिम्मत से तो मुझे हाथ लगा रहा, मेरी बेटी को। निखिल प्लीज प्लीज मैं हाथ छोड़ रहा हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दे। पल में शेर और पल में बिल्ली। प्यार नहीं करती, कभी नहीं आएगी मेरे पास, कभी नहीं। पैसा तो बहुत आ जाएगा मिस्टर अभिषेक प्रेम मेरा, प्यार कहाँ से लूंगा मैं। तू कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता तू। निकल पीछे रे, निकल रुक। अगर तुझे पैसे देने होते तो पहले ही दे दिया होता तूने। मिस्टर अभिषेक मेरा करोड़ों का मालिक, लेकिन अपनी बेटी की जान बचाने के लिए 3 करोड़ रुपए नहीं दे पाया। मम्मा, मम्मा, मुझे बचाओ। कुछ नहीं होगा बेटा, देखो निकल, मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। प्लीज प्लीज देखो, जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, मैं माफी मांगती हूँ। बच्ची, उसकी कोई गलती नहीं, प्लीज उसे छोड़ दो। प्लीज मुझे बताओ। ए, कोई आगे मत बढ़ना, कोई आगे मत बढ़ना, नहीं तो फेंक दूंगा इसे, टाइम में फेंक दूंगा। आगे मत बढ़ना। आशीष कुछ कर, हमें रिस्की है, थोड़ा वेट करते हैं। मैं कहता हूं बच्ची को छोड़ दे, नहीं तो गोली मार दूंगा। अब गन नीचे कीजिए ना प्लीज। तू क्या गोली मारेगा, तेरे में दम ही नहीं है। अब कोई बीच में नहीं आएगा। मुझ में बहुत दम है, पर मैं गोली चला भी दूंगा निखिल, छोड़ के रखो। क्या कर रहे हो आप, प्लीज घर नीचे कीजिए प्लीज। प्लीज प्लीज, आप फिर गलत कर रहे हैं। आप रिक्वेस्ट कर दीजिए, आप क्यों धमकी दे रहे हैं कि यार। मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं सच में मार दूंगा इसे। प्लीज यार, अगर कुछ हो गया तो आप घर नीचे कीजिए ना प्लीज। तो क्या, तो बैठो यहां से। गोली मार दूंगा मैं तुझे। तुम है ना, तो चला गोली, छोड़ के कियारा को। अगर तूने गोली चलाई तो मैं सुनने से भेज दूंगा। नहीं, मैं बात कर रही हूँ, घर नीचे कीजिए। ये कुछ नहीं करेगा, क्योंकि तो सलामत घर ले जाएंगे ना प्लीज। मैं बोल रहा हूँ निखिल, छोड़ दे कियारा को। पास मत आना, सच में फेंक दूंगा इसे। घर नीचे कीजिए ना प्लीज। सुन ले अभी,
चूल्हे पे चढ़ रही है। अभी गन नीचे कर, मुझे दे, मैं सिचुएशन हैंडल करता हूँ। बच्चे कुछ नहीं हुआ, डरना नहीं। लेकिन छोड़ दिया रखो, मैं चला दूंगा गोली। प्लीज गन छोड़ दीजिए, प्लीज। प्रख्या छोड़ो, ये देखिए सिर्फ जूता मिला है। ये 11 का जूता है। प्रकृति को लेके जाओ। डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज आइए, संभाल के। डॉक्टर प्लीज देखिए, फाइन। इन्हें आराम की जरूरत है, आप इन्हें घर ले जाइए। ओके, दिशा तुम इनके साथ हो, मैं आती हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि प्रज्ञा ठीक है, उसे रेस्ट की जरूरत है, इसलिए मैं उसे घर लेकर जा रही हूँ। जीजू, मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। Let's go.
संभाल अपने आप को। रब की यही मर्जी थी बेटा, जिन्होंने दिया उन्होंने ने लिया है, कोई क्या कर सकता बेटा, चुप हो। भगवान की मर्जी नहीं थी, भगवान ने मुझे क्या ला दी थी, मेरे पति ने छीन ली मुझे, मेरे पति ने छीन ली मेरी क्या। मुझे कुछ नहीं सुना, मुझे बस मेरी बेटी, मुझे बस मेरी बेटी चली मेरे पास, मेरे सामने, मेरे हाथों में। चेन, मैं अपनी लिटिल सिस्टर को दूंगी जो मुझे अले बुआ ने दी थी। मैं वादा करता हूं मैं उसे लेकर आऊंगा। कियारा के बिना हमारी फैमिली कंप्लीट थोड़ी ना होगी। मैं उस किडनैपर को 50 करोड़ देने को तैयार हूं, लेकिन उससे क्या हमें कियारा वापस मिलेगी? किसी ने भी मुझे कियारा या किडनैपर के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन दी ना तो मैं अमाउंट डबल करने को तैयार हूं। मैं उसे 6 करोड़ रुपए दूंगा। हम दोनों के बचाने के तरीके अलग, पर मतलब तो एक ही है ना, कियारा की सलामती। मैं आपकी मदद कर रही थी, आपको कह रही थी कि कियारा इसी जंगल में होगी, तो आपने मेरी बात क्यों नहीं मानी? अब कोई बीच में नहीं आएगा। आप जिम्मेदार है कियारा की मौत के। मैंने खोई अपनी बेटी, आपके लिए वो सिर्फ आपकी ईगो थी। मैं जानता हूं तुम गुस्से में हो, लेकिन तुम भी जानती हो कियारा को बचाने की मैंने हर कोशिश की, मुझे जो हो सका मैंने किया। कियारा के लिए मेरे प्यार को मेरी ईगो मत भूलो। आपका ईगो ये है जिसे आप बार बार कियारा के लिए अपना प्यार कहते रहते हैं। हम सबने देखा, हम सबने देखा आपको कियारा नहीं चाहिए थी, आपको अपनी अपनी जीत चाहिए थी, इसलिए आपने कियारा की परवाह नहीं की और उसके नेबर में प्राइस मनी रख दिया। ऐसा नहीं, वो मैं आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं आप। वो निकल पर दो तांजी कर था हमारी कियारा पे, आप तब भी नहीं रुके। वो मारने की धमकी दे रहा था मेरे बच्चे को, आप तब भी आगे बढ़ते रहे। मैं कह रही थी ना आपसे कि मत लड़िए उससे, मत लड़िए। कियारा की फिक्र ही नहीं थी आपको, आपको ईगो सेटिस्फाई करनी थी। नहीं सुनी ना मेरी, तो मैं भी नहीं सुनूंगी। आप जिम्मेदार है कियारा की मौत के। आपने मेरी बेटी मुझसे छीन ली। वो मेरी बेटी भी थी। नहीं, आपकी बेटी मेरी बेटी है, मैंने पैदा किया है, मैंने पैदा किया है उसे। मुझे पता है उसे खोने की तकलीफ क्या होती है। आप नहीं जानते एक बेटी को खोने की तकलीफ क्या होती है। मैंने इतना संभाल के रखा था उसे, कभी आंसू नहीं आने देती थी मैं उसकी आंखों में। जब आपके पास आई मुझे अपनी अपनी किस्मत किस्मत की बात माननी चाहिए थी। किस्मत को पता था कि आप एक अच्छे पिता ही नहीं। क्या किस्मत कभी चाहती नहीं थी कि कियारा आपके पास रहे, क्योंकि किस्मत
किस्मत को पता था कि आप अच्छे नहीं, आप तो पिता बनने के लायक ही नहीं। बस कियारा को किस्मत में नहीं, तुमने मुझे तोड़ दिया है। माना प्राइस मनी देने का मेरा डिसीजन गलत था, लेकिन मेरी नियत गलत नहीं थी प्रज्ञा। और सच तो ये है, अगर आज की तरह इसका मनी है ना, तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो।